चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सिक्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट फोर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बाकी जो पोर्शंस हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर के अदर टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये डीएनए है क्या, पहले तो इस जो वर्ड है इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि डीएनए जो है दैट इज कॉल्ड एज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहां जो वर्ड है डी ऑक्सी राइबो, राइबो क्या है कि राइबो शुगर है। इस तरह से ये फाइव कार्बन का पेंटो शुगर है, दैट टाइप ऑफ पेंटो शुगर को बोलते हैं राइबोज। सो इट इज अ फाइव कार्बन शुगर, इट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर कह देंगे इसको, ठीक है। अब यहां पर पेंटोज शुगर में ये नंबर कार्बन नंबर वन है, यहां पर ऊपर एक OH ग्रुप, नीचे H ग्रुप, ये हो गया कार्बन नंबर टू। इसको प्राइम करके वन प्राइम, इसको टू प्राइम करके लिख देते हैं कि कार्बन नंबर टू पर यहां नीचे OH है और ऊपर H है, ये हो गया कार्बन नंबर थ्री, जहां यहां OH है इधर पर H हो गया। दिस इज द कार्बन नंबर फोर, तो यहां पर H हो गया एंड यहां पर CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज अ टिपिकल राइबोज शुगर। अब यहां बोल रहा है डी ऑक्सी, डी ऑक्सी का मतलब है ये जो सेकेंड प्राइम पर जो ऑक्सीजन है इसको रिमूव कर देंगे। तो अगर सेकेंड प्राइम पे जो कार्बन पे ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो ये शुगर कहलाएगा डी ऑक्सी राइबोज। सो इन दिस वे दिस इज ओ एच, एच वन प्राइम और यहां पर एच, ऊपर में भी एच। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड प्राइम पोजीशन पे ओ एच ग्रुप एबसेंट है, यहां पर ओ एच ग्रुप है ही नहीं, एबसेंट है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डी ऑक्सी राइबोज। सो दिस इज देर इज एबसेंस ऑफ, एबसेंस ऑफ टू प्राइम ओ एच ग्रुप, इसको बोलते हैं एबसेंस ऑफ टू प्राइम ओ एच ग्रुप। बाकी लिख लेते हैं, दिस इज द ओ एच एच एंड दिस इज द सी एच टू ओ एच ग्रुप लगा हुआ है यहां पर। तो ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड दिस वन इज द फिफ्थ कार्बन। तो पांच कार्बन का शुगर। तो डीएनए में कौन सा पाया जाता है, डीएनए में ये पाया जाता है, दिस वाज, दिस इज फाउंड इन डीएनए। और ये जो शुगर है ये आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर जब एब्सेंस होता है, यहां ओएच ग्रुप नहीं होने से क्या होता है, इट इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू आरएनए, इट इज लेस रिएक्टिव। जबकि आरएनए में ये टू प्राइम ओएच ग्रुप होता है, ये फ्री रहता है और बाकी जो ओएच देख रहे हैं ये कंबाइंड होते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। केवल टू प्राइम ओएच ग्रुप फ्री रहता है, फ्री होने की वजह से क्या होगा, ये ओएच ग्रुप किसी कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है, इट कैन अंडरगो रिएक्शन। सो इसीलिए इसको बोलते हैं ये मोर रिएक्टिव है, आरएनए में आरएनए जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। वही डीएनए में यहां पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंस होने की वजह से क्या होता है कि डीएनए का सेकेंड कार्बन पे जो है वो अब लेस रिएक्टिव हो गया, वो दूसरे किसी कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट अंडरगो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस। सो ये कंपेयर टू आरएनए ये रिएक्टिव नहीं है। बाकी ये जो ओएच ग्रुप देख रहे हैं ये डीएनए हो या आरएनए, उसमें ये किसी ना किसी चीज से बाउंडेड होते हैं, बाइंडेड होते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं, ये रिएक्ट कर चुके होते हैं। लेकिन सेकेंड नंबर वाला कार्बन जो होता है यहाँ पे आइदर फ्री हाइड्रोक्सिल होता है एज इन आरएनए, या यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है एज इन डीएनए, जिसकी वजह से डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव देन दी आरएनए। तो ये बात हो रही है डीऑक्सीराइबो की। नाउ कमिंग टू द न्यूक्लिक एसिड, ऐसा क्यों कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड, भाई न्यूक्लियस में जो मौजूद एसिडिक सब्सटेंस है वो न्यूक्लिक एसिड है। तो हम यहां पे ये बात बोलेंगे द एसिडिक सब्सटेंस, द एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस।
और ये एसिडिक सब्सटेंस को किसने खोजा था? ये खोजा था इन द ईयर 1869 बाय फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि भी न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक सब्सटेंस होता है। लेटर ऑन हम जानेंगे कि वो चीज डीएनए है और बाद में उसके डीएनए का स्ट्रक्चर भी आगे चल के निकाला गया। तो एनी एसिडिक सब्सटेंस, इट मे बी आरएनए, इट मे बी डीएनए, तो दोनों ही एसिडिक सब्सटेंस है। सो द एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वॉज कॉल्ड एज ए न्यूक्लिक एसिड। लेकिन इनिशियली फ्रेडरिक मिशर ने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन नाम दिया था। बाद में हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, लेकिन शुरुआती समय में इसका नाम जो था वो दिया गया था न्यूक्लिन, द एसिडिक सब्सटेंस। अब यहां पे चीज है कि एसिडिक नेचर होने की वजह से, एसिडिक नेचर है डीएनए का भाई, एसिडिक नेचर क्यों है? ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वहां से फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है इसमें, फॉस्फेट ग्रुप। दिस कम फ्रॉम H3PO4। तो ये H3PO4 क्या है? एसिडिक है, तो इट विल लूज प्रोटोन। अगर ये प्रोटोन लूज करेगा तो न्यूक्लिक एसिड पे चार्ज क्या हो जाएगा? डीएनए बिकम नेगेटिवली चार्ज, डीएनए बिकम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यही वजह है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए एसिडिक है। और दूसरा एक और चीज है, इट कैन बी स्टेन्ड बाय, दिस कैन बी स्टेन्ड बाय, अगर एसिडिक सब्सटेंस है तो स्टेन होना चाहिए बेसिक डाई। इसको स्टेन करने के लिए क्या करेंगे? डीएनए को स्टेन करने के लिए हम बेसिक डाई करेंगे इस्तेमाल। यूजुअली डीएनए एज सच तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्रोमोजोम को स्टेन करना, क्योंकि क्रोमोजोम में डीएनए है। तो क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए बेसिक डाई यूज किया जाता है, जिन पर चार्ज रहेगा क्या? बेसिक डाई पे चार्ज रहता है पॉजिटिव, डीएनए पे चार्ज है नेगेटिव, तो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कलर्ड स्टेन होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम हमको दिखने लगेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। डीएनए को नहीं देख पाओगे, डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी और एटॉमिक फोर्स में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रोमोसोम को देखना है तो हम यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और क्रोमेटिन को देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। लेकिन हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कलर डाई यूज करेंगे यहां डीएनए को देखने के लिए, दैट इज क्रोमोसोम को देखने के लिए बेसिक डाई। कौन कौन से बेसिक डाई जो कॉमनली लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं? वो है फ्यूजन स्टेन, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आप पढ़ेंगे कि माइटोसिस मियोसिस जो क्लास में करवाया जाता है प्रैक्टिकल्स में, तो वहां आपको क्रोमोसोम को देखना पड़ता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो वहां पर स्टेन पूछता है कौन सा यूज करते हैं। आइदर फ्यूजन स्टेन यूज करेंगे या एक और स्टेन है एसिटोकार्माइन। ये दोनों स्टेन जो है ये मोस्ट कॉमन है, दिस इज द कॉमनली यूज स्टेन, दिस इज द commonly used in। अदर जो बेसिक स्टेन्स है वो है सैफ्रानिन, सैफ्रानिन भी यूज कर सकते हैं, सैफ्रानिन है, देन मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, ये सब बेसिक स्टेन है, दे हैव अ नेट पॉजिटिव चार्ज एंड डीएनए हैज अ नेट नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने एसिडिक नेचर से निकाला, इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है इसकी वजह से एक और प्रॉपर्टी डीएनए में आ जाता है कि इस फॉस्फेट की ग्रुप की वजह से इट बिकम वाटर सॉल्यूबल। सो डीएनए वाटर सॉल्यूबल क्यों है? क्योंकि उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो फॉस्फोरिक एसिड जो है फॉस्फेट ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ, उसका ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ। फॉस्फेट ग्रुप कैसा दिखता है, कहां होता है, ये हम बाद में आगे देखेंगे जब स्ट्रक्चर को डिटेल में जाएंगे। अभी तो हमने इस नाम को जो है पूरा उसको उधेड़ करके देख लिया, क्या है इसको, क्यों बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, किसने बोला, सॉरी किसने इसको एसिडिक सब्सटेंस करके आइडेंटिफाई किया। चलिए, नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में बोलता है कि डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब भाई ये क्या है, पॉलीमर क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाला स्ट्रक्चर होता है
जो छोटे छोटे मोनोमर्स से बनता है ना। मोनोमर्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो डीएनए डिफरेंट टाइप में आएगा, हेट्रोपॉलीमर कहलाएगा। लेट सपोज हम यहां पर मोनोमर्स लेते हैं, ये छोटे छोटे मोनोमर्स है, दीज आर वेरियस मोनोमर्स, ये है मोनोमर्स। यहां मोनोमर्स क्या है, ये मोनोमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स, दीज एक्ट एज अ मोनोमर्स। इनको जोड़ देते हैं, इन मोनोमर्स को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हमें बॉन्ड चाहिए। एग्जाम में पूछता है कि ये मोनोमर्स कैसे जुड़े हैं आपस में, इन व्हाट इज द लिंकेज, इसमें कौन सा लिंकेज है ये, तो ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम पहले इन सब मोनोमर्स को आपस में जोड़ देते हैं, एंड टाइम से ये जुड़ जाएंगे, काफी लंबा बन जाएगा ये चेन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, और जो ये लिंकेज हम देख रहे हैं, दिस लिंकेज, ये लिंकेज हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाएगा। सो इस तरह से डीएनए क्या है, लॉन्ग पॉलीमर है, राइट, इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर इन विच न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और डिटेल में थोड़ा इस चीज को हम देख लेते हैं, ये देखो, तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये एक न्यूक्लियोटाइड, दिस कंप्लीट, यहां से यहां तक इज अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ये है, दिस इज अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही बहुत सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, और ये कैसे जुड़े हुए, विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये और यहां से यहां तक पूरा देखना है। सो दिस इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। यहां पर ये जो चीज है, दिस इज द शुगर, पेंटोज शुगर है, दिस इज डी ऑक्सी राइबोज शुगर, दैट इज द शुगर पार्ट हो गया, पेंटोज शुगर ऑफ, ठीक है। यानी हम बात कर रहे हैं कॉम्पोनेंट्स की, बात करें तो एक कॉम्पोनेंट क्या हो गया, एक कॉम्पोनेंट हो गया डी ऑक्सी राइबोज शुगर, दूसरा ये कॉम्पोनेंट हो गया दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन बेस, दिस इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज नाइट्रोजन बेस, एंड थर्ड कॉम्पोनेंट इसका हो गया फॉस्फेट, दिस इज द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। सो एक न्यूक्लियोटाइड के तीन कॉम्पोनेंट हो गए, डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। और ये आपस में कैसे जुड़े हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, ये हमने बनाया एक डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाते हैं, और ये फाइव नंबर, ये हो गया यहां पर फाइव नंबर का कार्बन, दिस वन इज द फिफ्थ, फाइव प्राइम बोल देते हैं इसको, दिस इज द फाइव नंबर कार्बन, यहां पे लिखा हुआ CH2, और जो OH है वो फॉस्फेट के साथ जुड़ गया है। लेट सपोज दिस इज अ फॉस्फेट, ये हमारा हो गया H3PO4 हो गया, और यहां पर था CH2OH, तो ये जो है ये कंबाइन होगा, इतना फॉस्फोरिक एसिड केवल प्रोटोन देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा, तो ये निकल जाएगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो क्या होगा, फॉस्फेट इस कार्बन से कंबाइन हो जाएगा, राइट। सो ये कंबाइन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का हो जाएगा, यहां पर ओ पी, हम डबल बॉन्ड को अंदर की तरफ कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ पर यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसीलिए पूरे डीएनए पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यानी डीएनए बिकम एसिडिक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब नाइट्रोजन बेस डालते हैं, यानी ये वाला, तो ये कहां डालेंगे, यहां डालेंगे वन नंबर का जो कार्बन है, कार्बन नंबर वन पर जो OH ग्रुप है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ में,
ये एक नाइट्रोजन बेस हो गया, दिस इज ए नाइट्रोजन बेस। तो ये नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं, आइदर एडेनिन है या गुआनिन है या थायमिन है या साइटोसिन है। तो ये नाइट्रोजन बेस है, दीज टू आर कॉल्ड एज प्यूरीन एंड दीज टू आर कॉल्ड पायरिमिडीन। तो जो प्यूरीन का जो एन, इसका जो होता है एन नाइन, इसका हम बोलेंगे एन नाइन। प्यूरीन का नाइट्रोजन नाइन और शुगर का कार्बन वन, कार्बन वन, ये बनाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और वही पिरिमिडीन अगर यहां पर होगा, जैसे यहां पर थायमिन है साइटोसिन है, अगर यहां पर पिरिमिडीन हो थायमिन या साइटोसिन, तो उसका नाइट्रोजन वन, उसका नाइट्रोजन वन और शुगर का कार्बन वन, ये कार्बन वन और ये नाइट्रोजन वेरी करेगा। अगर ये प्यूरीन है तो नाइन होगा, और अगर पायरिमिडीन है तो ये नाइट्रोजन वन होगा। तो ये आपस में क्या बनाएंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हुआ है, तो कभी कभी इसको बोल देते एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह दिया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है, ये फॉस्फोईस्टर है, अभी ये इसको डाइस्टर नहीं बोलेंगे, अभी इसको फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहेंगे, हम डाइस्टर की भी बात करेंगे बाद में। सो यहां पर ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, दिस वन इज द न्यूक्लियोटाइड, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये पीछे एक और न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कैसे जुड़ेगा, यहां पर जो तीन नंबर का कार्बन है, इस शुगर का तीन नंबर का कार्बन का जो OH ग्रुप है, और ये फॉस्फेट ले लेते हैं, ये फॉस्फेट से एक OH ग्रुप निकला हुआ है, इधर पर नेगेटिव लगा देते हैं, इधर पर हम डबल बॉन्ड, यहां आप OH OH भी लग सकते हैं, नॉन आयनाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहां पर CH2 एंड दिस इज द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, ये वाला, ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, इसका कार्बन वन पे एक नाइट्रोजन बेस जोड़ देते हैं, दिस इज नाइट्रोजन बेस, ये जुड़ गया। अब देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक आगे वाला न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह से दोनों में आपस में लिंकेज होगा। तो कैसे होगा बॉन्ड, ये यहां से वाटर बन के निकलेगा। तो जब भी पॉलीमराइजेशन होगा, मोनोमर्स जब भी ज्वाइन होते हैं तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन होगा। जब यहां से वाटर निकल जाएगा, जब हम यहां से वाटर को निकाल देंगे यहां से, तो ये इसके साथ में बॉन्ड बन जाएगा, यहां एक ऑक्सीजन छूट गया है, ये बॉन्ड बन गया। तो एक ये ईस्टर बॉन्ड हो गया, ये दूसरा ईस्टर बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे, ये दोनों को मिलाकर, यहां एक ईस्टर बॉन्ड, यहां एक ईस्टर बॉन्ड, टुगेदर वी कॉल्ड एज फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड, दिस इज फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड विच लिंक। अब फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड बना है तो कौन से कार्बन के साथ बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है। तो एक तो थ्री प्राइम कार्बन, ये वाला, ठीक है, और यहां पे फाइव प्राइम कार्बन। तो जब भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा तो थ्री प्राइम कार्बन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड फाइव प्राइम कार्बन ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड, यानी थ्री प्राइम एंड फाइव प्राइम के बीच में बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी ये जितने भी बॉन्ड बने हैं, दिस इज द थ्री प्राइम, दिस इज द फाइव प्राइम, तो उसके बीच में बना है। अब यहां पे एक और चीज हम देख रहे हैं कि यहां पे ये जो एंड है, इस पे आगे कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ा नहीं है, तो इसका मतलब फाइव प्राइम फॉस्फेट खाली है इसका, ये जो फाइव प्राइम फॉस्फेट है इसका ओपन है, तो इसीलिए इस एंड को कह देते हैं, इस एंड को कह देते हैं फाइव प्राइम एंड कह दिया जाता है, वन एंड इज कॉल्ड एज फाइव प्राइम एंड। और जो पीछे की तरफ जाते हैं तो यहां पे थ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल जो है वो फ्री है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है अभी, तो इस एंड को बोल देते हैं थ्री प्राइम एंड कह देंगे। तो जितने भी पॉलीमर्स होते हैं यूजुअली उनमें पोलैरिटी होती है, मतलब एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। अब प्रोटीन में पढ़ते हो तो
आप बोलते हो एक तरफ एन टर्मिनल तो एक तरफ सी टर्मिनल, शुगर में बोलते हो, पॉलीसेक्राइड में बोलते हो एक तरफ रिड्यूसिंग एंड तो एक तरफ नॉन रिड्यूसिंग एंड, उसी तरह से यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में वन एंड इज कॉल्ड 5' एंड अदर इज कॉल्ड 3' एंड। तो ये क्या चीज है? द फ्री एंड ऑफ शुगर। ठीक है, इस शुगर का फ्री एंड कौन सा है? 5' फॉस्फेट। इस शुगर का फ्री एंड कौन सा है? 3' हाइड्रोक्सिल। So, इस तरह से हम इनको एक मार्किंग दे देते हैं यहां पर। सो ये हमारा हो गया लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए में इस तरह के दो चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, तो वो हम आगे देखते हैं। So, जैसे बताया था न्यूक्लियोटाइड एज ए थ्री कॉम्पोनेंट जो अभी हमने डिस्कस किया था। नाउ कमिंग टू द एग्जैक्ट मॉडल, जो डीएनए का मॉडल है वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहले जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन द ईयर 1953 में उन्होंने जितना भी उससे पहले का रिसर्च वर्क हुआ था रिगार्डिंग द डीएनए में क्या होता है कैसे होता है, उन सबको जोड़कर एक्चुअल डीएनए कैसा दिखता है मॉडल। मॉडल क्या होता है? एक किसी ओरिजिनल चीज का एक स्ट्रक्चर होता है जो उसके ओरिजिनल चीज के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। ऐसा होता है मॉडल, जिस जहाज का छोटा सा मॉडल बना दिया तो वो ओरिजिनल जहाज के शेप को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे ही डीएनए का मॉडल क्या है? एक ऐसा मॉडल बनाया लेबोरेटरी में जो डीएनए के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को कुछ हद तक सही सही डिस्क्राइब करे, उसको बोलेंगे मॉडल कहेंगे यहां पर। तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने ये मॉडल तैयार किया था, डबल हेलिक्स मॉडल, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था, दैट इज इन द ईयर 1962 में। और ये नोबेल प्राइज उन्होंने शेयर किया था किसके साथ? एक और थर्ड आदमी था, दैट इज मॉरिस विल्किन। मॉरिस विल्किंस के साथ उन्होंने शेयर किया था। एक आदमी और रह गया था रोजालिन फ्रैंकलिन, उसको साथ में उन्होंने नहीं शेयर किया, दैट इज सम डिफरेंट मैटर, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो तीन लोगों ने नोबेल प्राइज को शेयर किया, वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस, इन्होंने शेयर किया। नाउ कमिंग टू दैट मॉडल, उस मॉडल पर आते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं ये है ओरिजिनल पिक्चर जो है वॉटसन क्रिक का, ये वो मॉडल उन्होंने बनाया था। कैसे बनाया था मॉडल और क्या क्या चीजें हैं वो बाद में देखेंगे हम। यही है वो मॉडल, इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो, ये इसका 3D पिक्चर है। तो यहां आप ये जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये शुगर और फॉस्फेट बैकबोन कहा जाता है, और अंदर ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हैं दीज आर द बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस जो आपस में बेस पेयरिंग कर रहे हैं, दो दो बेस आपस में है। कौन कौन से बेस हैं वो हम आगे देखेंगे। इसका एटॉमिक बोलो या मॉलिक्यूलर मॉडल हो गया, तो कुछ ऐसा डीएनए दिखता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच कम डिस्टेंस है, ये ज्यादा डिस्टेंस है यहां, तो कुछ ऐसा मॉडल होगा, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो बुक में बनाने के लिए आपको नोटबुक में आप इस तरह से डीएनए का मॉडल बनाते, एक इमेजिनरी एक्सिस लाइन खींच देते हैं और उसके अराउंड हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये सब चीज हुआ कैसे, वॉटसन एंड क्रिक ने ये काम किया कैसे, इस चीज पर हम नेक्स्ट फोकस करेंगे। तो उन्होंने इस मॉडल को तैयार करने के लिए क्या किया, कुछ प्रीवियस वर्कर्स के, प्रीवियस साइंटिस्ट के डेटा को इस्तेमाल किया और फिर टेबल चेयर पर बैठ करके उन्होंने एक मॉडल तैयार किया जो प्रीवियस रिसर्च वर्क को वेरीफाई करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में हम लेके चल रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा बाय प्रिपेयर्ड बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। तो यही वो मॉरिस विल्किन है जिसके साथ में वॉटसन क्रिक ने नोबेल प्राइज को शेयर किया था, फ्रैंकलिन क्यों नहीं है दैट इज अदर थिंग। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा क्या होता है भाई, इससे क्या वॉटसन एंड क्रिक को मालूम चला? तो भाई इसमें क्या किया जाता है, डीएनए का क्रिस्टल तैयार किया जाता है और उसके ऊपर एक्सरे बम्बार्ड किया जाता है। एक लाइन में ये एक्सरे बम्बार्ड किया जा रहा है और ये जो क्रिस्टल के वेरियस प्लेन से और एटम से जब एक्सरे टकराता है तो वो डिफ्रैक्ट होता है एट एन एंगल थीटा,
और ये एंगल पता कर लेने के बाद ये स्पॉट्स क्रिएट होते हैं यहां पर, ये सब चीज पता करने के लिए बाद हमें एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकल जाता है, जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उसके जो प्लेन्स होते हैं उसमें जो डिस्टेंस होता है वो मैथमेटिकली यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। और एक और तरीका होता है इस पूरे डेटा को फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर इनपुट करें तो कंप्यूटर एक मॉडल जनरेट कर देगा आज। तो एक्चुअली ये जो पैटर्न तैयार हो रहा है वो कुछ इस तरह से दिखता है एक्स प्लेट पर, ये एकदम बिल्कुल डीएनए नहीं दिख रहा है, ये अजीबोगरीब चीज दिख रहा है, इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसको मैथमेटिशियन साइंटिस्ट लोग जो है वो फॉर्मूलाज यूज करके एटम्स के डिस्टेंस और प्लेन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिस्टल में स्ट्रक्चर निकालते हैं क्रिस्टल का। तो उन्होंने पता किया, क्या पता चला इसके, इसको स्टडी करने से मालूम चला, फिजिकल डायमेंशंस मालूम चली, उस डीएनए की फिजिकल डायमेंशन मालूम चली कि डिस्टेंस क्या है, और ये भी मालूम चला कि इसमें कुछ रिपीटिंग यूनिट्स हैं, रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, और वो हेलिक्स है, और किस तरह का हेलिक्स है, वो है राइट हैंडेड हेलिक्स है। तो अपने अगर राइट हैंड को यूज करके आप इस तरह से हेलिक्स बनाएंगे तो उसको बोलेंगे राइट हैंडेड हेलिक्स, इज कॉल्ड राइट हैंडेड हेलिक्स, और अपने लेफ्ट हैंड को यूज करके आप इस तरह से हेलिक्स बनाएंगे तो बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ये दोनों एक चीज नहीं है, बिल्कुल अलग अलग चीज है, मिरर इमेज है एक तरह से। तो इस फॉर्म में डीएनए नहीं है, इस फॉर्म में है जो सेल में पाया गया, यहां से मालूम चल गया था। इसके अलावा इसका डायमीटर मालूम चला, इसका ट्विस्ट एंगल मालूम चला, इसका वन टर्न कितने लेंथ का है वो भी मालूम चला। ये जो वन टर्न होता है, अगर वन टर्न क्या होता है, एक एस जो कंप्लीट करते हैं, तो ये हो गया वन टर्न। और बाकी फिजिकल डायमेंशन हमको एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा से वॉटसन एंड क्रिक को उन्होंने इकट्ठा कर ली, यहां से डेटा को कलेक्ट किया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया डेवलपमेंट में, डबल हेलिक्स मॉडल को डेवलप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। नाउ नेक्स्ट जो है वो है एर्विन शारगाफ, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। इन्होंने क्या किया कि सभी जीवों के डीएनए को निकाला और उसमें अमाउंट ऑफ एडेनिन, अमाउंट ऑफ गुआनिन और थायमिन साइटोसिन को काउंट किया, कॉन्सेंट्रेशन पता किया। और उन्होंने ये पता किया कि बाद में ये रिजल्ट आया कि जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थायमिन होते हैं हर सेल में, हर ऑर्गेनिज्म में, जितने गुआनिन होते हैं उतने ही साइटोसिन होते हैं। यानी अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टी, अमाउंट ऑफ जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सी, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ ए बाय टी इज इक्वल टू वन, जी बाय सी इज इक्वल टू वन। ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है, दिस इज कॉन्स्टेंट। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्स्टेंट फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, याद रखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए वैल्यू है, सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए नहीं। ये वैल्यू ए बाय टी इज नॉट इक्वल टू वन या जी बाय सी इज, और यू कैन से जी बाय सी रेशियो इज नॉट इक्वल टू वन, ये कब होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यानी एग्जाम में अगर आपको कभी इस तरह का रेशियो दिया हो जहां एक का परसेंटेज और टी का परसेंटेज आपस में मिलता नहीं हो, ए 20% दिया हुआ है और टी 30% दिया हुआ है, यानी नॉट इक्वल टू वन हुआ, दैट मींस वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है। क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ऐसा कहां पाया जा सकता है, एक बैक्टीरियोफाज जिसको बोलते हैं 5x174 फाज, इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एक और है, अगर आपको एडेनिन का वैल्यू दिया हो, यूरासिल का वैल्यू दिया हो और गुआनिन साइटोसिन का रेशियो बराबर नहीं हो तो क्या हो सकता है, तब वो आरएनए होगा। ये भी हो सकता है आपको दिया हो एडेनिन 10% दिया हो, यूरासिल आपको 10% दिया हो, राइट, गुआनिन आपको जो है कितना बचा, ये हो गया आपका 20-80, तो यहां दे दिया आपको 50% दे दिया, ठीक है, और साइटोसिन लेट सपोज 30% दे दिया, तो ये 100 हो गया टोटल।
तो यहां आप देख रहे हैं कि जी और सी आपस में बराबर नहीं है, जी इज नॉट इक्वल टू सी, तो ऐसा, और यहां पे यू दिया हुआ है, दैट मींस ये डेटा किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये आरएनए के लिए एप्लीकेबल होगा, कोई आरएनए वाला ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल है एचआईवी वायरस या क्यूबी बैक्टीरियोफाज जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, ठीक है, उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है बैक्टीरियोफाज। तो कभी कभी इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है, और अगर ये रेशियो बराबर आ रहा है दैट मींस वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो किसी यूकेरियोट का डीएनए है, ये प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, इसको एक और फॉर्म में लिख देता है, दैट इज ए प्लस जी बाय टी प्लस सी इज वन, ये भी इसको इस तरह से भी एग्जाम में लिख सकता है। तो ये एर्विन चारगाफ का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक होता है ए टी बाय जी सी रेशियो। नाउ ए टी बाय जी सी रेशियो जो होता है ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है, इट इज कॉन्स्ट, हाँ इट इज कॉन्स्टेंट फॉर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार दे रहे हैं, कॉन्स्टेंट फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज, जीनस में नहीं, स्पीशीज में कॉन्स्टेंट होता है, यानी सभी टाइगर में जी सी सेम होगा, सभी लायन का जी सी सेम होगा, लेकिन टाइगर और लायन का जो डीएनए में जी सी कंटेंट है वो वेरी करेगा। इससे हम क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, हम पता कर पाएंगे कि वो दोनों स्पीशीज सेम है कि अलग है, ये पता कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम मूव करते हैं, ये ए और टी बराबर वन है, जी और सी बराबर वन है, दैट मींस कि ए और टी जो है आपस में जुड़े होंगे किसी ना किसी तरह से, एक एडेनिन और एक थायमिन जुड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा कि दो एडेनिन और तीन थायमिन जुड़ा हो, ऐसा नहीं होगा, दिस मींस कि वन एडेनिन कंबाइन विद वन थायमिन, ऐसा नहीं होगा कि वन एडेनिन कंबाइन विद टू थायमिन, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू दिखा रहा है इसीलिए। तो अगर एडेनिन और थायमिन आपस में कंबाइन है, गुआनिन साइटोसिन आपस में कंबाइन है, तो कैसे कंबाइन है, तो वैज्ञानिकों ने पता किया कि डीएनए को हीट करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, यानी ये जो इंटरेक्शन है कोई ना कोई वीक इंटरेक्शन है, प्रोबेबली ये हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड या कोई और तरह का बॉन्ड हो सकता है। तो इसको पता करने के लिए अरविंद चारगाफ ने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भेज दिया, बोला केमिस्ट्री वाले जरा पता करके बताओ क्या एडेनिन और थायमिन आपस में किसी तरह से वीकली इंटरैक्ट कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि एडेनिन और थायमिन में इंटरैक्शन कौन सा है, कौन सा बॉन्ड है। तो उन्होंने जब केमिस्ट के पास भेजा तो उन्होंने उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके देखा, उसके स्ट्रक्चर से देखा कि एडेनिन और थायमिन दो जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, वही गुआनिन और साइटोसिन जो है वो थ्री जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो इससे ये मालूम चला कि भाई एडेनिन जो होता है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के थायमिन से जुड़ा होता है, और गुआनिन जो है वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना के साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो अगर किसी डीएनए में आपको एडेनिन का अमाउंट दिया हो या गुआनिन का अमाउंट दिया हो तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो डीएनए का। और एक और, जिस ऑर्गेनिज्म में जीसी कंटेंट ज्यादा होगा, मोर जीसी, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे, ये ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू दिस ए एन टी के डबल दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो ज्यादा जीसी होगा तो क्या हो जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी उस डीएनए को, ये अगर डीएनए है तो उसको जब मेल्ट करेंगे तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होती है, तो अगर जीसी ज्यादा होगा तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा उन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाएंगे उस डीएनए में। तो यूजुअली क्या होता है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स में ज्यादा जीसी होता है कंपेयर टू यूकैरियोट, यानी अगर आपको डीएनए मिले और क्वेश्चन किया जाए कि ये डीएनए यूकैरियोट का है कि प्रोकैरियोट का है, बैक्टीरिया का है कि एनिमल का है, किसी यूकैरियोट का है, तो आप उसको मेल्ट करके देख लो, कंपेयर करके देख लो जो डेटाबेस से है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कि कम है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है किसी रेफरेंस के साथ, अगर कंपेयर करते हैं किसी यूकैरियोट के रेफरेंस से कंपेयर करते हैं और उस डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, दैट मींस वो डीएनए प्रोकैरियोट का है।
तो इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आपको कभी पूछ सकता है। नाउ कमिंग टू द साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो डीएनए वॉटसन एंड क्रिक ने सामने रखा, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम मूव कर रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहला जो साइलेंट फीचर बताया कि इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक ये हो गया और एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया। और ये जो बैकबोन जो लिख रहा है, दिस बैकबोन, तो बैकबोन क्या हो गया, ये बैकबोन कंसिस्ट ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, तो ये शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन हो गया। दूसरा बोलता है बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड, तो अंदर की तरफ बेसिस कुछ इस तरह से, ये अंदर की तरफ नाइट्रोजन बेसिस जो है एडेनिन के साथ में क्या रहेगा, यहां पे जो नाइट्रोजन बेसिस है इसमें जो पेयर, लेट्स सपोज दिस इज एडेनिन, तो एडेनिन के साथ ये रहेगा थायमिन विद द हेल्प ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड। लेट्स से दिस इज द गुआनिन, तो यहां पे साइटोसिन है तो थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इस तरह से ये बेस पेयरिंग इसमें है। इसके बाद फर्दर देख लेते, ये देखो दीज आर द बेस पेयर, तो बेसिस कहां, अंदर की तरफ, दे आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। सो ये जो बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड, ऑलमोस्ट ये देख रहे हैं बेसिस 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द स्ट्रैंड है अंदर की तरफ। सो यू सी दीज आर द बेसिस विच आर इनसाइड, अंदर की तरफ है। नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर दिया हुआ है, दैट इज द टू चेन्स आर एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इट मींस इफ वन चेन इज हैज अ पोलैरिटी 5'3', ये क्या है, एंड्स हैं डीएनए स्ट्रैंड के, एक चेन के एंड्स है, जैसा पहले भी डिस्कस किया है। 5' मतलब शुगर का 5', फॉस्फेट फ्री है, 3' मतलब शुगर का 3' हाइड्रोक्सिल फ्री है। तो अगर हम देखेंगे इस यहां पर, ये देखो ये 5' हो जाएगा और इस चेन का एंड हो रहा है यहां पर, ये 3' OH ग्रुप फ्री है। तो इस तरह से इसको पोलैरिटी लेबलिंग कर देते हैं, एक चेन ये ऐसा हो गया, दूसरे चेन में देख रहे हैं कि यहां 3' है और यहां पे 5' आ रहा है, उल्टा हो गया। उल्टा होने की वजह से एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं दोनों तरफ 5' फॉस्फेट है दिख रहा है। भाई अगर आप इस तरह का, ये एनसीईआरटी के बुक का फोटो है, देखेंगे तो इसका कारण है ये डिऑक्सीराइबोज, या ये जो शुगर है ये इसका कारण है। आप देख लो इस चेन में शुगर उल्टा लगे हुए हैं, इस चेन में शुगर सीधा लगे हुए हैं, इसी वजह से इस शुगर का 3' OH ऊपर की तरफ है जबकि इस शुगर का 5' ऊपर की तरफ है। ऐसा क्यों हो गया, ये शुगर यहां भी क्यों नहीं उल्टा लगा है, या फिर यहां दोनों शुगर दोनों जगह पर सीधा क्यों नहीं है। दैट मींस कि यहां पर शुगर जो है वो इस तरह से दोनों चेन में क्यों नहीं लगे हुए हैं, क्यों नहीं, ऐसा है कि ये है 5', ये भी 5', दोनों तरफ 5' क्यों नहीं है, यहां पे 3' देख रहे हैं यहां 5', क्यों ये उल्टा लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन जो है ये क्यों उल्टा इस तरह से क्यों ये उल्टा लगा हुआ है, ये 3', ऐसा उल्टा क्यों है। तो ये वजह ये है इस शुगर में ही, कि जो पेंटोज शुगर है राइबोज, राइबोज अकर इन डी फॉर्म। तो आपने मिरर इमेज वगैरह सब आइसोमर पढ़ेंगे, डी फॉर्म एल फॉर्म, तो ये डी फॉर्म है इसका, ये भी डी फॉर्म है, ये डी फॉर्म है। तो इस तरह का जो फॉर्म है अगर दूसरे चेन में लगाना है तो उसे उल्टा होना पड़ेगा, तभी उसका वन जो है अंदर की तरफ होगा, इसका भी वन कार्बन अंदर की तरफ आएगा। अदरवाइज इसको आप यहां एज सच लगा देते हैं, इसको एज सच अगर हम यहां पे जोड़ देते हैं, ये देखो, तो वन नंबर कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये बेस जो है, ये वाला बेस कहां हो गया, बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा ताकि इसका वन नंबर कार्बन इसके वन के सामने आए, तभी तो बेस पेयर बन सकेगा। तो क्योंकि कुदरत में केवल डी फॉर्म मौजूद है, एल फॉर्म इस शुगर का है ही नहीं, इसीलिए दूसरे स्ट्रैंड में शुगर को उल्टा या सीधा होना पड़ता है। सो दैट इज द रीजन, दिस शुगर इज द मेन रीजन। तो ये हो गया इसके
नेक्स्ट जो थर्ड दिया हुआ है दैट इज अबाउट द बेस पेयरिंग दिया है. तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहां पर दिया हुआ है. जैसा शुरू में भी हमने बात किया था कि ए ऑलवेज पेयर विद थायमिन विद टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गुआनिन पेयर विद साइटोसिन बाय थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड. इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है. और यहां एक और चीज बोलता है दिस जनरेट, यहां पर क्या बोलता है कि प्यूरिन कम अपोजिट टू पायरिमिडीन. सो दिस इज द प्यूरिन एंड दिस वन इज द पायरिमिडीन. ऑलवेज यहां पे देखेंगे एक प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन लगा हुआ है. प्यूरिन के साथ प्यूरिन लगता तो क्या होता, तो इसका जो है हम यहां से देखेंगे क्लियर हो जाएगा. ये देखिए यहां पर आप देख रहे हो एडिनिन का स्ट्रक्चर काफी बड़ा दिखा रहा है और थायमिन का स्ट्रक्चर छोटा दिखा रहा है. थायमिन सिंगल मेम्ब्रेन रिंग, सिंगल रिंग है और एडिनिन जो प्यूरिन्स होते हैं वो दो रिंग्स होती हैं उसमें, इसलिए साइज बड़ा है. तो प्यूरिन के साथ यहां पर ये प्यूरिन है एंड दिस इज द पायरिमिडीन. तो प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन अगर करेगा पेयर तो ये जो डिस्टेंस है और आगे भी सबका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा. डायामीटर यहां लो यहां लो यहां लो कहीं भी डायमीटर लो सेम रहेगा. लेकिन अगर ऐसा होता कि एडिनिन के साथ पेयर करता, पेयर कर लेता, लेट सपोज एडिनिन के साथ में गुआनिन पेयर करता अगर, तो ये साइज बड़ा हो जाता, डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता. और अगर थायमिन के साथ साइटोसिन पेयर करता तो ये डिस्टेंस छोटा हो जाता. फिर कोई गुआनिन के साथ एडिनिन, फिर थायमिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ थायमिन. तो यहां देख रहे हैं डिस्टेंस, डीएनए, डीएनए कैसा दिखता है, ऐसा. कहीं डायमीटर कम है, कहीं यहां डायमीटर इतना है, यहां डायमीटर कम है, यहां डायमीटर बड़ा है, यहां डायमीटर कम है, ये गड़बड़ हो जाता. तो ऐसा नहीं होता है. तो हम देखें कि क्योंकि प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ ऑलवेज है या वाइस वर्सा, इस वजह से डीएनए का डायमीटर थ्रू आउट द चेन कॉन्स्टेंट है. दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड. सो दिस इज द रीजन क्यों ऑलवेज अ प्यूरिन कम अपोजिट टू अ पायरिमिडीन. दिस इज द रीजन. ओके. सो फोर्थ साइलेंट फीचर हम देखते हैं वो फिजिकल डायमेंशंस. यहां पर बताया हुआ है कि ये जो डायामीटर है यहां से लेकर ये जो डायमीटर है ये दिया हुआ है 2 नैनोमीटर और यू कैन से 20 एंगस्ट्रॉम, है ना. 1 नैनो कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10^-10 मीटर. ये इसका डायमीटर है. ये बोलता है द पिच ऑफ द हेलिक्स, द पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच मतलब क्या होता है टर्न, वन टर्न. जैसे अगर हम इसको टर्न बनाते हैं, लेट सपोज यहां से टर्निंग स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो अगर आप ऐसे लिखते हो एस बनाते हो कंप्लीट, यहां पर ये इमेजिनरी लाइन लगा देते हैं तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, वन टर्न हो गया. इसको बोल देंगे, हम बोल देंगे वन टर्न. तो यहां पर हम देखते हैं अगर यहां से चालू करते हैं ये और ये, मतलब यहां से लेकर यहां तक हमारा हो गया वन टर्न, वन टर्न. तो बताया कि वन टर्न इसी को कहा जाता है पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच. तो ये वन टर्न कितना बताया गया है, ये बताया है 3.4 नैनोमीटर. इसको यहां एग्जाम में ये भी लिख सकता है 34 एंगस्ट्रॉम. तो इसमें जो है भूल भुलैया करेगा एग्जाम में, ध्यान देना है इस चीज को. और इस टोटल वन टर्न में आते हैं 10 बेस पेयर. बेस पेयर का मतलब हो गया जोड़ी, मतलब दो दो न्यूक्लियोटाइड एक बेस पेयर में रहेंगे. तो यहां कितने हो जाते हैं 20 न्यूक्लियोटाइड, 20 न्यूक्लियोटाइड. वन बेस पेयर का मतलब होता है दो न्यूक्लियोटाइड है, ये हो गया वन बेस पेयर. तो एक और देख दो न्यूक्लियोटाइड. तो इस तरह से 10 बेस पेयर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 बेस पेयर हो गया एक टर्न में. तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए 3.4 को, तो ये जो किसी भी बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस हो जाता है दैट कम्स टू बी 0.34 नैनोमीटर. दिस इज 3.4 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर और यू कैन से 3.4 एंगस्ट्रॉम इसको बोल देंगे.
सो ये सब हो गई इसकी फिजिकल डायमेंशन। दूसरा एक और चीज है ट्विस्ट। ट्विस्ट इज 36 डिग्री एंगल। अब ट्विस्ट क्या है कि जैसे ये आप मान लीजिए ये सीढ़ी है, ऐसी घुमावदार सीढ़ी किसी किसी दुकान में होता है, तो एक पायदान से जब दूसरे पायदान पे आप पैर रखते हैं तो थोड़ा सा आप यहां रेलिंग पर घूम जाते हैं, तो वो कितना रेलिंग पर एंगल में आप घूमते हैं ये वो एंगल है 36 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री। जैसे एक पायदान है इस पे आपने पैर रखा, फिर दूसरा ये पायदान इस पे पैर रखा, तो आप कितने एंगल पर रोटेट कर गए 36 डिग्री, फिर आप घूमेंगे। तो इस तरह से आप घूमते जाएंगे सीढ़ी पर, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। तो हर बेस पेयर के बीच में जो एंगल ऑफ रोटेशन या ट्विस्ट होता है वो होता है 36 डिग्री। तो ये फोर्थ साइलेंट फीचर एनसीईआरटी में जो बताया हुआ है, दिस इज द फोर्थ साइलेंट फीचर्स। नेक्स्ट इज द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक विद द अदर एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कंफर्म स्टेबिलिटी। यानी यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ द डबल हेलिक्स। डीएनए की स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ द डबल हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। ये हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा मेंटेन क्यों रहता है, क्यों नहीं खुल जाता है? तो एक तो कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे, एक तो स्टेबिलिटी दे रहा है, और दूसरा दिया है बेस पेयर स्टैकिंग। अब बेस पेयर स्टैकिंग क्या है, जैसे आप किताब को एक के ऊपर रख देते हैं, एक किताब, ये एक बुक है, इसके एक और दूसरी बुक है, एक और बुक है, लेट सपोज दीज आर द बुक स्टैक, दीज आर द बुक स्टैक्स, एक के ऊपर एक बुक रखा है, तो इस किताब को बीच में से सरकाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये ऊपर और नीचे की बुक से ये दबा हुआ है। ये नीचे बीच वाला जो ये बुक है ये ऊपर और नीचे के बुक के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इसीलिए ये खिसक नहीं सकता है, इसीलिए ये बेस जो है यहां से निकल के खिसक नहीं सकता है। इसको बोलते हैं बेस स्टैकिंग रूल। होता यूं है कि जो बेस पेयर है, लेट सपोज ये एक बेस पेयर है, लेट सपोज दिस इज थायमिन और ये हो गया एडेनिन का, ठीक है, इसी तरह से इसके नीचे एक बेस होगा, लेट सपोज दिस इज guanin and here is the cytosine, आपस में ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो होता ये है कि ये बेस के जो प्लेन्स हैं, इनका जो प्लेन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको बोलते हैं पाई पाई इंटरैक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है इसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, और ये नीचे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसकी जो नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पाई पाई इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन। इस इंटरैक्शन की वजह से ये बेस जो है अपने पोजिशन में मेंटेन करके रखता है, खिसकता नहीं है इधर उधर। तो ये बेस जो है ऊपर और नीचे के बेस के साथ में पाई पाई इंट्रैक्शन कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का, जिसकी वजह से ये मेंटेन रहेगा, खिसक के बाहर नहीं निकलेगा ये। सो दिस कॉन्फर स्टेबिलिटी टू द डबल हेलिक्स मॉडल। ये पूरा जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया है ये नेचुरल फॉर्म ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज बी फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए। जितना भी अभी तक वाटसन क्रिक ने यहां बताया है, दैट इज कॉल्ड बी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड दिस इज द कॉल्ड द नेचुरल फॉर्म ऑफ डीएनए। हाउएवर और भी दूसरे फॉर्म्स होते हैं डीएनए के, वो डिपेंड करता है कि डीएनए किस कंडीशन में है, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन कंडीशन में है या ड्राई है एकदम, तो उसमें क्या होता है कि डीएनए का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो चेंज होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आ जाते हैं, तो उसी के बेसिस पे बोला है कि देयर आर डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ द डीएनए। तो वो बोला कि आपको हायर स्टडी में, हायर क्लासेस में स्टडी कीजिएगा। हम यहां पे देख लेते हैं, दिस इज बी फॉर्म ऑफ द डीएनए, तो इसमें ये पैरामीटर्स लेते हैं जिसमें जो डिफरेंट निकालेंगे ए बी जेड डीएनए में। तो यूजुअली बी फॉर्म डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स, आरएच मींस राइट हैंडेड हेलिक्स। डायमीटर इसका 20 एंगस्ट्रॉम, 10 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, यानी पिच हो गया, हेलिक्स 36 डिग्री एंगल पर है, और एक टर्न का जो लेंथ है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ द डीएनए, दिस इज द कॉल्ड द नेचुरल
फॉर्म ऑफ डीएनए. यूजुअली जो लिविंग सेल्स में ये डीएनए पाया जाता है वही मिलता है, लेकिन कभी कभी लेबोरेटरी कंडीशन में या दूसरे फिजियोलॉजिकल कंडीशन, दूसरे आर्टिफिशियल कंडीशन, जैसे हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में जो डीएनए रहेगा उसका थोड़ा शेप चेंज हो जाता है. तो शेप चेंज होने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स आ जाते हैं, ए डीएनए, जेड डीएनए. तो यहां पर देख रहे हैं ए और बी दोनों जो है बोथ आर राइट हैंडेड हेलिक्स, जबकि ये क्या है, जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स. इसका डायमीटर भी थोड़ा कम है, 18 एंगस्ट्रॉम है. तो ये डिफरेंसेस हैं इसमें दिया हुआ है, ये आप एक बार देख लोगे. लेकिन आंसर आपको अक्सर जो है बी डीएनए से ही पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको ए और जेड के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए. तो यहां पे इसको एंड करते हैं हम.